नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोनाली स्टूडियो में। बेबी फूड सीरीज़ में हम 6 मंथ से अबव बच्चों के लिए उनको क्या क्या खिलाना चाहिए वो शेयर करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं बना रही हूँ रवा ड्राई फ्रूट खीर, जो कि आप 6 मंथ से अबव बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। ये बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हम पहले पैन गरम करेंगे और हम इंस्टेंटली ड्राई फ्रूट पाउडर बनाएंगे। बच्चों को हम वैसे तो ड्राई फ्रूट नहीं दे सकते हैं साबुत फॉर्म में, तो हम उसके लिए ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, चिरौंजी ली है। आप इसके साथ पिस्ताचो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे रोस्ट करेंगे 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के लिए। बिल्कुल जलाना नहीं है उसे, हल्का सा रोस्ट करके आप निकाल लेंगे और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और बाद में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट्स को एक कटोरी में निकाल के रख देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। अब हम पैन में 2 बड़े चम्मच रवा लेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे। रवे को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक वो हल्का से भूरे रंग का ना हो जाए और उसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जैसे आपको लगे खुशबू आ रही है, आप गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। हम भुने हुए रवे में लगभग आधा कप जो है वो पानी डालेंगे। पानी डालने का यहाँ रीज़न क्या है कि पानी से रवा जल्दी फूलता है और वो जल्दी से पक जाता है, तो हम तब तक इसको पकाएंगे पानी के साथ जब तक कि रवा थोड़ा सा फूल ना जाए। रवा पक चुका है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने यहाँ लगभग 1 कप जो है वो दूध डाला है। अब हम इसे दूध के साथ तब तक पकाएंगे जब तक दूध में एक बॉयल ना आ जाए। दूध में बॉयल आ चुका है, बीच बीच में हम इसको हिलाते जाएंगे और रवे और दूध को दोनों को अच्छे से साथ में पकाएंगे। गैस को हम यहाँ भी मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। मीनवाइल जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे, रोस्ट करे थे, उनको हम एक पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट पाउडर डालेंगे जो कि हमने अभी बनाया है और अब खीर को जो है वो ड्राई फ्रूट पाउडर के साथ पकाएंगे। हम बॉयल आने का वेट करेंगे और सूजी जो है वो ऊपर सतह पे आ जानी चाहिए, इसका मतलब है कि सूजी पक चुकी है। दूध में बॉयल आ रहा है, अब हम ऐड करेंगे इसमें चीनी। अब आप यहाँ चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीनी बच्चे को नहीं देते हैं तो आप मिश्री पाउडर, गुड़ का पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड़ का पाउडर ऐड करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि दूध में बॉयल आने के बाद ही हम गुड़ को ऐड करेंगे। खीर में बॉयल आ चुका है, अब हम सबसे लास्ट में इसमें इलायची पाउडर और केसर के 2-3 धागे डालेंगे। केसर ऑप्शनल है आपका, अगर आप ठंड जगह पे रहते हैं तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। बस अब 1 मिनट इसको हम बॉईल करेंगे ताकि इलायची और केसर अच्छे से पक जाए और हमारी खीर जो है वो रेडी है। फूड अपने आप में एक कंप्लीट फूड है जो कि आप बच्चे को लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी खिला सकते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सबका एक अच्छा मिक्सचर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको और कौन से बच्चों की रेसिपी जो है वो बताऊं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल सोनालीज स्टूडियो।